नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश प्रजापति और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बिट्टू इंदौरी में। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज़ हुई मूवीज़ के बारे में, उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ बिट्टू इंदौरी पर। हाँ तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले दरबार मूवी की। दरबार मूवी में रजनीकांत सर के साथ साथ आपको सुनील शेट्टी साहब भी दिखाई देंगे। सुनील शेट्टी साहब इसमें नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, वही रजनीकांत सर इसमें एक पुलिस वाले का रोल प्ले कर रहे हैं। और इस मूवी के रिव्यू एवरेज रिव्यू है। अगर मैं बात करूँ इंडियन ऑडियंस की, जो बॉलीवुड के ऑडियंस मतलब हिंदी भाषा की अगर ऑडियंस की बात करूँ तो उनके एवरेज रिव्यू है। लेकिन वहीं अगर हम साउथ को देखें तो साउथ में इस पिक्चर को काफ़ी अच्छी जो एक ओपनिंग मिलनी चाहिए थी वो मिली, वहीं हिंदी भाषा में इसका कलेक्शन उतना नहीं देखने को मिला। लेकिन कुल मिला के अगर ओवरऑल हम पूरे इंडिया के नेट कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 3 दिनों के अंदर 74 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ये मूवी ये पूरी जितनी भी भाषाओं में रिलीज़ हुई थी इंडिया के अंदर, तमिल, साउथ और अपने हिंदी भाषा, सब के वर्जन मिलाकर 74 करोड़ रुपये अभी तक कमा चुकी है ये मूवी। वहीं अगर हम बात करें छपाक मूवी की, जो कि दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इसके अंदर लीड रोल प्ले कर रहे हैं। ये मूवी एक बायोपिक थी, आप सभी जानते हैं लक्ष्मी अग्रवाल एसिड अटैक जो एक कैरेक्टर है उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है ये मूवी। वहीं अगर हम इनके रिव्यू की बात करें तो इसके रिव्यू जो है मतलब मिले जुले आ रहे हैं। कहानी लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन एक परफॉर्मेंस जो पूरी मूवी की है उसमें से स्क्रीन प्ले को लिया जाए तो स्क्रीन प्ले थोड़ा सा लूज गया है इसके अंदर। डायरेक्शन ओके है। दीपिका पादुकोण का जो एक परफॉर्मेंस है एक्टिंग का लेके वो काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन फिर भी इस मूवी को इतनी ओपनिंग नहीं मिल पाई। उसका कारण कहीं ना कहीं तानाजी द अनसंग वॉरियर भी था, क्योंकि एक बड़ी मूवी के साथ में ये मूवी रिलीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर वो जो एक गिरावट देखने को मिली इसके कलेक्शन के अंदर वो साफ दिख रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके कलेक्शन के बारे में तो अपने फर्स्ट डे फ्राइडे को इस मूवी ने कमाए थे 4 करोड़ 77 लाख रुपये, वहीं सेकेंड डे शनिवार को इस मूवी ने कमाए हैं 6 करोड़ 90 लाख रुपये। तो इसके हिसाब से 2 दिन की कमाई छपाक मूवी की बनती है 11 करोड़ 67 लाख रुपये। ये ओनली इंडिया कलेक्शन है इंडिया के। अगली बात करते हैं हम तानाजी के बारे में। तो तानाजी द अनसंग वॉरियर जो मूवी है इसके अंदर आपको पता ही है अच्छे से इसका स्टार कास्ट क्या है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर अजय देवगन साहब दिखाई देंगे और उन्हीं के साथ में उनकी रियल लाइफ वाइफ काजोल मैम दिखाई देंगे और अपने बॉलीवुड के छोटे नवाब यानी कि सैफ अली खान भी इसमें दिखाई देंगे। तो इस मूवी के जो अगर रिव्यू की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे रिव्यू ऑडियंस से इसको मिले हैं, क्रिटिक्स ने भी बहुत सराहा है। और अगर टोटल एवरेज रेटिंग इस मूवी की हम देखें तो 3.5 से 4 स्टार तक की इस मूवी की रेटिंग दिखाई देगी आप लोगों को। इसके अलावा अगर हम कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन इस मूवी का जो फर्स्ट डे का कलेक्शन था फ्राइडे को इस मूवी ने कमाए थे 15 करोड़ 14 लाख रुपए। उसके साथ में सैटरडे को इस मूवी की कमाई में थोड़ी सी बढ़ोतरी आई और 20 करोड़ 37 लाख रुपए इस मूवी ने कमाए। टोटल अगर हम देखें तो टोटल इंडिया का जो नेट कलेक्शन है इस मूवी ने अभी तक 35 करोड़ 67 लाख रुपए ये मूवी कमा चुकी है। तो इसके हिसाब से कमाई के मामले में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है तानाजी। देखने वाली बात होगी कि सेकेंड हफ्ते में मतलब सेकेंड वीक में ये अपनी कमाई जो छपाक है और तानाजी ये कहाँ तक के लेके जा सकती है। वैसे तानाजी का जो एक कलेक्शन का जो ग्रोथ हो रहा है वो संडे के दिन हो सकता है कि इस मूवी ने अच्छी कमाई करी हो और हो सकता है कि ये 50 करोड़ के भी पास पार पहुंच जाए। ये तो देखने वाली बात होगी, ये कलेक्शन हमारे पास अभी तक आए नहीं है इसलिए मैंने आपको जो बताए हैं फ्राइडे और सैटरडे के कलेक्शन आपको बताए हैं 2 दिनों के। तो इन कलेक्शन के हिसाब से अभी तानाजी सबसे आगे चल रही है। वही अगर दरबार की बात करें, दरबार 3 दिनों के कलेक्शन के अंदर 74 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और इसका जो सबसे मेन पॉइंट ये है कि साउथ के ऑडियंस का काफ़ी बड़ा रेशो इसके अंदर दिखाई दे रहा है जो कलेक्शन अभी तक हमको मिले हैं। तो ये था दोस्तों तीनों मूवी के कलेक्शन के बारे में, इनके रिव्यू के बारे में। मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करें, उसको कमेंट करके बताएं मुझे, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।